और मीजल्स रुबेला जैसी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहरी टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से जुड़े संस्थानों के साथ ही सामाजिक संस्थाओं, एनसीसी कैडेट्स और स्वयंसेवी संगठनों की मदद से दिसंबर 2023 तक इस बीमारी को जड़ से नष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। इस तारतम्य में ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक हेल्थ सेमिनार का आयोजन किया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, सीएमएचओ और अन्य चिकित्सक भी मौजूद रहे। डॉक्टर संतोष शुक्ला, संचालक टीकाकरण नेशनल लैब मध्य प्रदेश द्वारा बताया गया कि केंद्र सरकार के आह्वान पर मीजल्स रुबेला उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 9 महीने से 5 साल तक के सभी बच्चों को ये टीका लगाया जाएगा। कोई भी बच्चा इस टीकाकरण अभियान से नहीं छूट पाए, इसके लिए घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर्वे कराया जाएगा। हम लोग कहीं ये नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा आदेश ला रहे होंगे कि नहीं आप पूजा नहीं कर सकते हैं, मगर हम आपको जागरूक ये कर सकते होंगे कि पहले हवा जब चलती थी मल एरिया से उसको बोलते थे मलेरिया, फिर बात आई कि हवा चली तो पोलियो हो गया, मगर हमने और आपने देखा नहीं, ये वायरस की बीमारी थी या वो मच्छर के काटने से बीमारी होती थी। तो इसी प्रकार से समझाइश के माध्यम से हम लोगों को जागृत कर रहे हैं कि ये कोई देवी प्रकोप नहीं है। अब विज्ञान ने माइक्रोस्कोप के माध्यम से बता दिया कि सबसे सूक्ष्म वायरस है, सबसे घातक वायरस है, जानलेवा है और ये लाइलाज है।